गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, वेलकम है आपका नए चैनल PVR स्टडी पे। जुड़ जाइए फटाफट, और जो लोग जुड़ रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जो भी चीज़ें आती रहेंगी आप उसको तुरंत जो है आपको जो भी हमारे वीडियो आते रहेंगे आप तुरंत देख लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं, जुड़ रहे हैं। अभी तक जो क्लासेस आप देख रहे होंगे देखे होंगे पिछली क्लास में, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी माइक वाली, जिसको हमने सॉल्व कर दिया आज, और हमारा माइक आ गया। आप कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इंजॉय करिए और मज़े से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम हमारा है सेल्स के बारे में। सेल जो होती है भाई, सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है। और सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर होती है, प्रथम यूनिट होती है हमारी बॉडीज की, क्या होती है, प्रथम यूनिट होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल को डिस्कवर किसने किया, किसने इसको टर्म दिया साइटोलॉजी इट्सेट्रा, और भी सेल में क्या होते हैं, सेल से कैसे हमारे टिश्यूज बनते हैं, फिर उससे बॉडी ऑर्गन कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सेल में। तो ठीक है, आ जाइए फटाफट भाई, सभी का स्वागत है, सभी का, सभी को नमस्ते, सभी को सलाम, सभी को सत श्री अकाल। जुड़ जाइए फटाफट और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा समझ के यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आ जाइए, शुरू करें हम लोग। तो आज हम शुरू करेंगे अपना भाई, जो हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। अब हिंदी मीडियम वाले आप परेशान नहीं होंगे, हिंदी मीडियम लिखी जाएगी कोशिका। अगर विज्ञान कहते हो तो विज्ञान कह लो यार, अध्ययन कहते हो तो अध्ययन कह लो, विज्ञान या कोशिका का अध्ययन। ठीक, ये हमारा टॉपिक है आज का, यही हम शुरू करेंगे। क्या होती है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जहाँ साइटो फॉर्म, साइटो शब्द आए वहाँ आप समझिएगा साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। ठीक है, कोशिका। लॉजी क्या होती है भाई, लॉजी क्या होती है, अबाउट टू स्टडी। हिंदी मीडियम वाले मतलब संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो दो टर्म यहाँ मिला, साइटो मिस सेल, लॉजी मिस अबाउट टू स्टडी, उसके बारे में अध्ययन करना। क्लियर हुआ, ठीक। साइटोलॉजी, जैसा कि हम, अब पहला टर्म हमारे पास सेल आया है, सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल क्या होती है भाई, सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लिखेंगे भाई, जीवन की प्रथम या इकाई। ठीक, क्या बताया भाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की प्रथम इकाई। अगर हम साइंस के टर्म में देख लें, साइंस के टर्म में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे भाई इसमें, रचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। समझ में आया, क्या बताया भाई, दो चीज होती हैं, ये टर्म होता है। ठीक है, सेल्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए सेल क्या होती है, तो सेल की परिभाषा क्या होती है, यह हमारे जीवन की प्रथम इकाई होती है, यह हमारे जीवन की बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, ये लिखेंगे आप, या बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जीवन की प्रथम इकाई होती है, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की क्या होती है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो सेल। ठीक है, बस सेल के बारे में यही जान लीजिए। अब आती है चीज़ें यहाँ से, सेल के बारे में हमने बता दिया, अब अगला पॉइंट अगर इसमें आएगा भाई, सेल्स जो वर्ड है या साइटोलॉजी जो वर्ड है ये कहाँ से आया। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, सेल या साइटोलॉजी वर्ड कहाँ से आ रहा। ठीक है, तो अब हम जो है भाई, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, टर्म
टर्म कौन देता भाई? एक हमारे यहाँ साइंटिस्ट है, हार्ट विन, हार्ट विंड हिंदी मीडियम वाले, हार्ट विंड नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या दिया था? साइटोलॉजी टर्म दिया था, ठीक है, साइटोलॉजी का टर्म दिया था। आगे आप ज़्यादा भी जहाँ आपका माइंड पहुँच रहा है, सेल्स के बारे में हम लोग बेसिक पढ़े हैं, और सेल्स का डिस्कवरर कौन है, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ सेल, किसने सेल को पहले टर्म दिया सेल, सब चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक। साइटोलॉजी टर्म से अगर पूछा जाए तो आप इतना ही बताएंगे। अब सेल को डिस्कवर कौन किया था, तो बहुत ही फेमस नाम है जिसको आप, हमें लगता है प्री क्लासेस से या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या नाम उनका भाई? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही नाम लिखेंगे, रॉबर्ट हुक। क्या बताया भाई? रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा था, सेल के बारे में देखा था, और उन्हीं ने ही सेल का क्या किया, डिस्कवरर किया, ठीक है। क्या होगा भाई? ये कौन थे भाई हमारे डिस्कवरर थे? कौन थे? डिस्कवरर। आप यहां लिखेंगे कि खोजकर्ता, डिस्कवरर खोजकर्ता। चीजें यहां तक क्लियर हुई? रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसको इनोवेशन किया, या सबसे पहले सेल्स के बारे में डिस्कवर किया और सेल्स को सबसे पहले खोजा। आइए आगे हम देखते हैं, जो हमारी सेल होती है, ये मान लीजिए कोई हमारी सेल है, मैंने ये सेल बना दिया। अभी हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, जब स्ट्रक्चर बताएंगे। ये मैंने कोई सेल बना दिया, जो हमारा जो सेल होता है सिंगल सेल, उसको हम क्या नाम देते हैं? जाइगोट। जाइगोट, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले युग्मनज। युग्मनज यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, युग्मनज, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? युग्मनज। एक सिंगल सेल को किस नाम से जाना जाता है? जाइगोट या युग्मनज। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, किसी भी सिंगल सेल्स को क्या कहते हैं हम? जाइगोट या फिर युग्मनज कहते हैं। पॉइंट अगला यहाँ से आपका आएगा, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन की। चलिए आते हैं लार्जेस्ट की बात अगर आ जाए, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल कौन होती है भाई? लार्जेस्ट सेल तो ओवरी, ठीक है, ओबम, ओबम हमारा जो है तो लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल की बात कर लें अगर हम, स्मॉलेस्ट छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल तो स्पर्म होता है। दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे, सबसे बड़ी सेल को क्या कहते हैं हम भाई? सबसे बड़ी सेल को हम क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वाले? अंडाशय, या फिर जिसको क्या कहते हैं भाई हम? अंडाशय, या फिर इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। सबसे छोटी सेल शुक्राणु होती है और सबसे बड़ी सेल अंडाशय होती है, ठीक। ये पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ से, यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन ओरिजिन होंगे कौन कौन हो सकते हैं? साइटोलॉजी टर्म किसने दिया? तो हार्टविन नाम अपने साइंटिस्ट ने दिया था। साइटोलॉजी में क्या होता है? जिसमें हम कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी या सेल की बेसिक डिफिनेशन क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इज साइंटिफिक भाषा में, जनरल जो भाषा होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये होती है, ठीक है। सेल्स को किसने बताया, आप सबसे पहले डिस्कवर किया, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपका, वो बनेगा रॉबर्ट हुक थे भाई, इसको स्टार में लगा दे रहा हूँ। सेल्स को कौन खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने इसको खोज किया था और इसी से क्या होता भाई, इन्होंने ही सेल्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। सेल्स के बारे में, नॉट साइटोलॉजी, केवल सेल्स के बारे में अगर पूछ लिया है, सेल्स को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी को सर्वप्रथम किसने दिया? तो रॉबर्ट विंग ने दिया था, ठीक है। सबसे सिंगल सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? जाइगोट देते हैं या युग्मनज कहते हैं। सबसे बड़ी सेल अगर होती है जिसको कहते हैं उसको अंडाशय कहते हैं, ये ह्यूमन की बात होती है। और सबसे छोटी सेल क्या होती है? शुक्राणु होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब इससे जो पॉइंट जुड़े होते हैं, अगर इससे जब पूछ लिया जाए, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी,
अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी आपसे पूछ लिया जाएगा तो कौन है भाई, इन्हीं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इन्हीं को, क्या कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक या पिता के जनक या फिर पिता कौन है भाई, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ से एक पॉइंट आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो कौन है भाई, कौन हमारी रॉबर्ट हुक। चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये रही बात हमारी जो सेल से रिलेटेड चीज़ें हुई, सबको मैंने बता दिया। अब इसमें आता भी मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होता है, या फिर सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गन्स होते हैं, कैसे सेल्स जो है फॉर्मेशन करती है। तो क्या होता है भाई, ये हमारा सेल हुआ, बहुत सारी सेल जब मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टिश्यू बनेगा। ठीक है, और बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाएंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी होती है लाइफ प्रोसेस। क्या बताया मैंने, एक सेल से क्या बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, और बॉडी से हमारे जैसे लोग बन जाएंगे, आपकी जैसे शरीर बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो आपको, क्या क्या बताया गया आपको, ठीक है याद रखिएगा। ठीक है, छोटी सेल क्या होती है भाई, स्पर्म होती है, बड़ी सेल हमारी लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ओवम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे शुरू करते हैं, आगे क्या है आपका, नोट करिए आप लोग, आगे आएगा भाई आपका मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ठीक है, आधुनिक क्या पूछेगा, आधुनिक साइटोलॉजी का पिता कौन है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान सन, हिंदी मीडियम वाले स्वान सन, एक वैज्ञानिक थे जिनको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट कौन है, तो स्वान सन। ठीक है, ये भी ऐसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है आपको इंडियन साइटोलॉजिस्ट, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, मतलब भारती, अगर पूछ लिया जाए आपसे भारती कोशिका विज्ञान के पिता, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, ये आप लिख लीजिएगा भाई, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो कौन था भाई, एक बहुत ही अच्छा आदमी था, फेमस था, जिसका नाम था ए के शर्मा। इन्हें हम क्या कहते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा जी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, साइटोलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, साइटोलॉजी का बहुत ही डिटेल्ड अध्ययन किया है। ठीक, तो ये कौन थे भाई, ए के शर्मा। क्लियर हुआ आपको, ए के शर्मा एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट। आइए थोड़ा सा और हम कुछ आपको जानकारी दे दें इससे रिलेटेड, एक साइटोलॉजिस्ट टर्म आता है, एक साइटोजेनेटिक्स आता है, साइटोजेनेटिक्स अगर आपसे पूछ लिया साइटोजेनेटिक्स, आप घबराइएगा मत, थोड़े टर्म जो है बहुत टफ हैं, बायोलॉजी के ये टर्म होते हैं जिसको आपको जानना ही चाहिए। साइटोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, कोशिकी गुणसूत्र का अध्ययन, ठीक है, कौन था भाई, इसके लिए एक हमारे यहाँ जिसमें साइटोजेनिक्स का मतलब था सेल के
गुणसूत्र यानी सेल के जेनेटिक मटेरियल का अध्ययन कहला क्या होता है, साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, साइटो का मतलब सेल होता है, जेनेटिक्स का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल का अध्ययन कर। जेनेटिक मटेरियल कौन होते हैं भाई, डीएनए और आरएनए होते हैं। इसके बारे में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, कौन है भाई ये, इसको कहते हैं हम डी एच मूलर है। कौन है, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स के इन्वेंशन करता या डिस्कवर करता। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पॉइंट नोट करने वाली है, मॉडर्न साइटोलॉजिस्ट कौन है, सॉन्सन नाम के एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है भाई, ए के शर्मा है। साइटोजेनेटिक्स एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम कोशिका के गुणसूत्रों के अध्ययन करते हैं, और कौन है भाई, डी एच मूलर नाम का कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने इसके बारे में बताया था। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है सबको। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आती है हमारी सेल्स, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सेल क्या होती है, सेल होती क्या है बेसिकली, सेल्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कैसे सेल्स के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, फिर कौन इसको रेगुलेट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तमाम चीज़ों के बारे में विद इन द एक्सप्लेन विथ पूरा डिटेल हम कैसे पढ़ेंगे, पूरे पिक्चर्स के साथ अगर हम देखेंगे सेल्स का स्ट्रक्चर और सेल्स क्या होते हैं। तो सेल्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके सेल्स के, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, फिर हम नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, क्या क्या होते हैं भाई सेल्स ऑर्गन्स के बारे में अगर हम देख लें, तो सेल्स ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन सेल, ऑर्गन हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे भाई, कोशिका अंग, कोशिकीय अंग, कोशिकीय अंग, चीज़ें क्लियर हुई, कोशिकीय अंग हिंदी मीडियम वाले कोशिकीय अंग। कौन कौन से कोशिकीय अंग होते हैं, चलिए आते हैं। पहला होता हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हिंदी में अगर इसका नाम देख लिया जाए, ठीक है, हिंदी में देखा है तो क्या कहेंगे, कोशिका कवर, कोशिका आवरण, कोशिका आवरण, आवरण का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हो जिससे ढकी जाए, वो चीज़ें आवरण है। ठीक, कवर जिसको आप कहेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता हमारा, सेकंड है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं भाई, केंद्रक, केंद्रक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट होता है। तीसरा क्या होता है भाई हमारे पास, केंद्रक के बाद क्या होता है, केंद्रक के बाद होता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। ठीक है, चौथा अगर हो देख लिया जाए तो राइबोसोम, पांचवा अगर हम देख लें तो क्या होता है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और एक चीज़ और भाई, जो ये सोच रहे होंगे माइटोकांड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप जानिएगा ऐसे ही नाम है इसका, माइटोकांड्रिया। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सब इसके पार्ट होते हैं, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम्स, राइबोसोम। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा भाई, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। ठीक, तो ये सब से यहाँ सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं, और भी कुछ बचे होंगे हमारे, ईआर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी कुछ बचे हमारे हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तो इनका नाम ऐसे ही होता है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सब ऐसे ही होता है। इसमें आप मत सोचिएगा कि इसका हम कुछ हिंदी में अलग से नाम होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसके पार्ट होते हैं। अब यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको साइटोलॉजी का। अब अगला पार्ट अगर हम देखें इसमें, तो पहला जब अगर इसको हम शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल आता है, पहले ही आएगा आपका टाइप्स ऑफ सेल, पहला पॉइंट आएगा टाइप्स ऑफ सेल। इन सब के शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल, चलिए इसी को हम कर देते हैं। कितने टाइप्स की सेल होती हैं, तो क्या होती है बेसिकली, टू टाइप्स होती हैं। क्या होती है, टू टाइप्स। कैसी होती है टू टाइप्स, पहले को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल,
और सेकेंड वाले का नाम होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या विशेषता होती है, प्रोकैरियोटिक की क्या विशेषता होती है यूकैरियोटिक की, इन सब के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, आप केवल इतना जानिएगा कि हमारे जो सेल्स में जो है दो प्रकार होती है, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को कहते हैं यूकैरियोटिक। अब ऐसा कोई नहीं समझेगा कि भाई एक कोश की दो कोश की, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको जो एक कोश की दो कोश की आप नाम दे रहे हैं उसको आप कहेंगे भाई यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, इसको एक कोश की कहते हैं हम, और जो दुई कोश मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो ये टॉपिक जो है ये अलग है, इससे आप यहाँ सिर्फ इतने जानिए कि दो तरह की सेल होती है, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो हम बताएंगे कल की वीडियो में आपको, कल के लेक्चर में, कि व्हाट इज द यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक, किस में यूकैरियोटिक होते हैं फिर किस में प्रोकैरियोटिक। इसके बाद देन हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो है सेल ऑर्गेनेल्स के वन बाय वन, और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।